class students, I am Sangeeta from Takshila Model School, and today in this video we are going to discuss a very important chapter, which is our chapter number 6, States of Matter. So open page number 76 to find this chapter in your science book. Okay, so बच्चों अब तक हमने living world के बारे में जो है पढ़ा है, हमने जो भी chapters किए हैं, they were related to living world like animals and human beings. We read about human beings. We read about different system like skeletal system and nervous system. ठीक है, आज जो हमारा topic है वो कुछ different है. ठीक है, जिसका नाम है states of matter. अब states of matter क्या होते हैं? Solid, liquid, gas. You must have heard about it. Okay, आपने solid, liquid, gas का नाम जरूर सुना होगा. So ये solid, liquid, gas क्या है? Matter है. ठीक है, लेकिन ये मैटर क्यों है? मैटर एग्जैक्टली होता क्या है? ठीक है, सो वही सॉलिड लिक्विड गैस जो कि मैटर है, वो मैटर क्यों है, मैटर होता क्या है, और ये जो थ्री टाइप्स ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, इनके बारे में हम डिटेल में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैटर. मैटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. ठीक है, मैटर होता क्या है? देखो, Anything that occupies space and has some weight. Okay, आपके आसपास जो भी चीज है, कोई भी चीज का एग्जाम्पल आप उठा के देख लो, जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो वो मैटर है. ठीक है, अब कोई भी चीज हम उसको मैटर बोल रहे हैं, लेकिन वो मैटर है क्यों? मैटर होता क्या है? मैटर, हम हर उस चीज को मैटर बोलते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब है वो कुछ जगह घेरती है. अगर आप उसको रखोगे तो उसको रखने के लिए आपको स्पेस चाहिए, वो स्पेस लेगी, स्पेस घेरेगी. ठीक है, एंड हैज सम वेट, उसका कुछ वजन भी होगा, उसका वेट होगा कुछ, उसका मास होगा. मास और वेट, अभी आप दोनों टर्म्स को एक ही समझो, वेट बोले या फिर मास बोले. मास यानी कि MASS. ओके, सो मास और वेट अभी आप समझो कि एक ही मतलब होता है, वजन. तो ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस घेरेगी, सबसे पहली कंडीशन क्या है मैटर के लिए? एक तो वो स्पेस घेरेगी तो वो मैटर है, और दूसरा उसका वेट भी होना चाहिए तो वो चीज मैटर कहलाएगी. सो आप अपने अराउंड कोई भी एग्जाम्पल उठा के देखो, कोई भी चीज, उसको रखने के लिए आपको स्पेस चाहिए होगा और उसका कुछ वजन भी होगा. चाहे वो कोई चीज जो भी है वो भारी हो सकती है, वो हल्की हो सकती है. ठीक है, चाहे वो हैवी है चाहे वो लाइट है, बट इट हैज सम वेट, उसका वजन तो है, चाहे कम है या फिर ज्यादा है. ठीक है, और वो स्पेस भी जरूर लेगी, क्योंकि अगर आपने किसी चीज को, मान लो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, हमने इसको यहां पर रख दिया तो मैं इसकी जगह कोई और चीज नहीं रख सकती. ठीक है, जब तक मैं इसको नहीं हटा देती, तो इसने जो है स्पेस घेरा है, इसने स्पेस लिया है और इसका कोई वजन भी है, तो ये क्या है? ये भी मैटर है. इसी तरह से आपके अराउंड जो भी सारी चीजें हैं, सारे सब्सटेंसेस, ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मैटर. सो ये होता है हमारा मैटर. जो भी चीज स्पेस लेगी, पहली चीज स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और वेट होगा, ये दो कंडीशंस में हर चीज मैटर कहलाएगी. फॉर एग्जाम्पल चॉक, फूड, वॉटर, एयर, ये सारे मैटर है. एयर, अब एयर को तो आप लोग देख भी नहीं सकते हो, एयर कैसे मैटर है? एयर क्या स्पेस ऑक्यूपाई करती है? एयर का क्या कोई वजन होता है? ये हम एक एग्जाम्पल लेके अभी समझेंगे कि एयर और वाटर दोनों कैसे मैटर हैं. ये मैटर हैं, लेकिन कैसे, ये प्रूव करते हैं कि ये भी मैटर है. सो एयर, जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, आप उसका वेट फील नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो भी मैटर है, वो हम एक एग्जाम्पल लेके अभी समझेंगे. ओके, अब मैटर के बाद हम चलते हैं एक और टर्म पे अपनी, जो है मॉलिक्यूल. ठीक है, अब हमारा जो मैटर है वो किसका बना हुआ है, उसको अगर हम तोड़ते जाएं, मैटर को अगर हम तोड़ते चले जाएंगे तो वो छोटा छोटा होता जाएगा, और वो जो छोटा उसका पार्टिकल बनेगा वो कहलाएगा मॉलिक्यूल. सो मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल हम जैसे मान लो ये चौक का एग्जाम्पल लेते हैं, चौक को हम तोड़ते हैं. ठीक है, चौक को हम और तोड़ते जाएंगे, इसके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में जब ये हो जाएगी, ठीक है,
तो ऐसे इसको हम और छोटा करते जाएंगे तो वो एक तरह से क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल, जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट उसका होगा, ठीक है, मैटर का, वो मॉलिक्यूल कहलाता है। तो एक तरह से सिंपली हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो मैटर है वो मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। अगर हम सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को एक साथ रख दें तो वो मैटर बन जाता है। ओके, अब जो मॉलिक्यूल होता है, लेकिन वो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो इतना छोटा होता है मॉलिक्यूल कि आप उसको नेकेड आई से, अपनी सिंपल ऐसे आईज से उसको नहीं देख पाते, ठीक है। अब उसके बाद एक और टर्म हमारी आती है, वो है एटम्स की, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स व्हेन ब्रोकन डाउन इनटू टाइनी पार्टिकल्स, वो एटम्स होते हैं, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स को हम और तोड़ दें, उनको और छोटा कर दें, सबसे पहले हमने मैटर को तोड़ा, बिल्कुल छोटा छोटा कर दिया, इतना छोटा कि वो हमें मॉलिक्यूल, जो हमें नेकेड आई से नहीं दिख पा रहा, वो मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल जो हमें नेकेड आई से नहीं देख पा रहा है, उसको हम और छोटा तोड़ दें, बिल्कुल टाइनी पार्टिकल्स में उसको अगर हम तोड़ दें, टाइनी का मतलब बहुत छोटे, ठीक है। अब टाइनी पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स को हमने तोड़ दिया है टाइनी पार्टिकल्स में, वो टाइनी पार्टिकल्स एटम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एटम्स। मान लो ये कोई मैटर है, इसको हमने तोड़ा, बिल्कुल छोटा छोटा कर दिया, ठीक है। ये क्या आ गए इसके? मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को, एक मॉलिक्यूल को हमने और तोड़ दिया कि और छोटे छोटे हो गए, ठीक है। ये क्या है हमारे? ये है हमारे एटम्स। तो इस तरह से हमारा मैटर बनता है। एटम्स को मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। एटम्स को मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल्स को मिला देंगे तो हमारा मैटर बन जाएगा। ओके, तो मैटर को आप तोड़ोगे बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में तो वो मॉलिक्यूल है, और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ोगे तो वो एटम्स है। ओके, अब देयर आर मोर देन 115 टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। 115 से भी ज्यादा तरह के एटम्स जो है हमारे एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। सो नाउ लेट अस टेक द हेल्प ऑफ अ वीडियो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मैटर मोर क्लियरली। ओके, सो व्हाट इज मैटर? मैटर होता क्या है? मैटर आपके अराउंड जो एयर है, ठीक है, वो भी क्या है? मैटर की बनी हुई है। वाटर जो आप पीते हो, जो ड्रिंक करते हो, वो वाटर भी क्या है? मैटर का बना हुआ है। और क्या एग्जांपल होते हैं मैटर के? बैग, फूड, बुक्स, क्लोथ्स जो आप वियर करते हो, सारी की सारी चीज़ें आपके अराउंड क्या है? मैटर की बनी हुई हैं। ओके, नाउ जो मैटर होता है, मैटर की डेफिनेशन क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, जिसका मास होता है यानी कि वजन, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है। मैटर का मास होता है यानी कि उसका कुछ वेट होता है। वेट और मास एक ही मतलब है। दूसरा, मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कुछ जगह घेरेगा, उसको रखने के लिए आपको स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैटर होगा। तो मैटर के एग्जाम्पल क्या हैं? व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर? सबसे पहला, वाटर। इफ़ वाटर इज़ मेड अप ऑफ मैटर, इट शुड हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अगर वाटर मैटर है तो उसका स्पेस भी है, उसको ऑक्यूपाई करना पड़ेगा और उसका मास भी होना चाहिए। ओके, वो हम एक एक्टिविटी से यहाँ पर देखते हैं। एक हमने खाली ग्लास को वेइंग मशीन पे रखा, एक हमने, एक ग्लास में पानी है जिसको हमने वेइंग मशीन पे रखा है। ओके, सो किस ग्लास में ज़्यादा वेट होगा? जिसमें पानी था। ओके, सो इसका मतलब वाटर का वेट होता है। अब हम देखते हैं कि वाटर स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। एक ग्लास खाली है, एक पानी से भरा हुआ है। जिसमें पानी भरा हुआ है, क्या उसमें आप कुछ और रख सकते हो उस ग्लास में? नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पानी फिल्ड है, उसमें जगह ही नहीं बची है कुछ और रखने के लिए। इसका मतलब वाटर स्पेस भी लेता है। सो वाटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसका मतलब वाटर या कोई भी लिक्विड मैटर होता है। सो हमने देखा कि वाटर ने स्पेस भी लिया और वेट भी है उसका। एक और एग्जाम्पल देखते हैं टेबल का, कि टेबल मैटर है या नहीं है। उसके लिए उसका मास होना चाहिए और स्पेस उसको लेना चाहिए। अब टेबल का ऑब्वियस सी बात है, वेट तो होता है, ठीक है। टेबल को आप इजीली नहीं उठा पाओगे।
ठीक है, अब जहाँ पर टेबल रखा है क्या उसकी जगह कुछ और रख सकते हो? नहीं, उसको हटा के ही आप रख पाओगे, उसकी जगह दूसरी टेबल आपको रखनी पड़े तो आप नहीं रख सकते। ठीक है, इसका मतलब उसने स्पेस लिया हुआ है और उसका कुछ वेट भी है। ठीक है, सो ये भी मैटर की ही बनी हुई है, टेबल ने स्पेस लिया और उसका कुछ मास है यानी कि वेट है, तो वो भी मैटर की ही बनी हुई है, तो वो एक तरह का मैटर ही है। अब एयर के बारे में जानते हैं, क्या एयर मैटर है? क्योंकि एयर का हम वजन फील नहीं कर पाते और हम नहीं देख पा रहे हैं कि एयर कहाँ पर है, तो वो किस तरह से स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। सो ये हम देखते हैं कि एयर का मास यानी कि वजन कैसे होता है, वो कैसे स्पेस ऑक्यूपाई करती है। सबसे पहले हमने एक एम्प्टी बलून को जो है वे किया, ठीक है, फिर एक बैलून जिसमें हमने हवा भरी है, इन्फ्लेटेड बैलून जो होता है उसको हमने वे किया, किसका ज़्यादा वजन आएगा? इन्फ्लेटेड वाले का, जो फूला हुआ जिसमें वजन है, जिसमें एयर है। ठीक है, इसका मतलब एयर का वेट है, क्योंकि जिसमें हमने एयर भरी उसका वेट ज़्यादा हो गया। अब क्या ये स्पेस लेती है? विच बैलून ऑक्यूपाइज मोर स्पेस? कौन सा बैलून ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, एम्प्टी वाला या फिल्ड वाला? फिल्ड वाला आप देख पा रहे हो वो ज़्यादा स्पेस ले रहा है, क्योंकि एयर उसके अंदर भर गई है और एयर को स्पेस चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एयर भी मैटर होती है, एयर का मास होता है, वजन होता है, और वो भी स्पेस लेती है। सो एयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर। सो मैटर में दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, मास और स्पेस। सो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, हवा भी, एयर भी, वो भी मैटर है। हमारे आसपास सारी चीज़ें जो भी आप देखते हो आपके अराउंड, एनिमल्स, वुड, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। सो व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? मैटर किसका बना है? मॉलिक्यूल्स का। मैटर को अगर हम छोटा छोटा तोड़ दें, उसको टाइनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक यानी कि जो माइक्रोस्कोप से ही आपको दिखेंगे वो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स को हम और छोटा कर दें तो वो एटम्स कहलाते हैं। ओके okay? ओके स्टूडेंट्स, सो जो मैटर होता है वो किससे मिलके बनता है? मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बनते हैं? एटम्स। ठीक है, मैटर मॉलिक्यूल से मिलके बना है, मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बने? एटम से। इनको एक साथ रखोगे मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल को एक साथ रखोगे मैटर बन जाएगा। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैटर की ही प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मान लो इस चौक का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ये क्या है? मैटर है अभी। ठीक है, इसको अगर हम इतना छोटा तोड़ दें कि ये मॉलिक्यूल बन जाए, स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल होती है, अगर मैं इस चौक को इतना छोटा तोड़ दूं कि ये मॉलिक्यूल बन जाए, तो वो जो मॉलिक्यूल होगा चौक का, वो चौक वाली ही प्रॉपर्टी, सारी जो चौक की प्रॉपर्टीज हैं वो ही शो करेगा, वो कोई डिफरेंट अलग नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो चौक का ही तो हिस्सा है। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल जो है चौक की ही प्रॉपर्टी, चौक का मॉलिक्यूल चौक की ही प्रॉपर्टीज शो करेगा। ओके, अब मॉलिक्यूल्स को हम और तोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा एटम बन जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स एक और टर्म के बारे में जानते हैं जो है एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर जो भी एटम्स हैं वो सारे के सारे एक जैसे हैं। ओके, क्योंकि हर चीज जो है किसकी बनी है? इवेंचुअली एटम से मिलके बनी है, मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। ठीक है, सो अगर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सारे एटम्स एक जैसे हैं तो वो एलिमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड जो सोना होता है, सिल्वर चांदी, आयरन जो कि लोहा होता है, ये सारे क्या है? एलिमेंट है। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल ये गोल्ड है, सिल्वर मान लो, आयरन कुछ भी मान लो इसको। ठीक है, सो इसके अंदर जो भी एटम्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एक जैसे हैं, इसके अंदर कोई भी दूसरी तरह का एटम नहीं होगा। ओके, सो जब सारे एटम्स एक जैसे होंगे, सारे एटम एक जैसे हैं, ठीक है, जब सारे एटम एक जैसे होंगे एक चीज के अंदर, तो वो चीज हमारी क्या कहलाएगी? एलिमेंट कहलाएगी। ओके, लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर सारे एटम एक जैसे नहीं है, ठीक है, हो सकता है दो तीन तरीके का कि एक एटम ऐसा है, ये कैसा है, ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, तो यहां पर जब सारे एटम एक जैसे नहीं है, ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर सारे एटम्स एक जैसे नहीं है, अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलके वो चीज बनी है, पर उस चीज को हम नाम देंगे किसका? कंपाउंड का।
ओके सो कंपाउंड क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट या फिर एटम्स मिलके जो है कंपाउंड बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। अगर जैसे ये एलिमेंट है ठीक है, अगर मैं दो एलिमेंट को भी मिला दूं, अलग अलग तरह के एलिमेंट को मिला दूं, तो भी वो कंपाउंड कहलाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कंपाउंड में जो एलिमेंट होता है या फिर जो एटम्स होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, एलिमेंट में एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सारे एटम एक जैसे होते हैं। ओके अब कंपाउंड का एग्जाम्पल, एलिमेंट का एग्जाम्पल हमने देख लिया गोल्ड सिल्वर आयरन, एक जैसे, गोल्ड के अंदर सारे एटम एक जैसे, सिल्वर के अंदर सारे एटम एक जैसे, उसी तरह से आयरन के अंदर भी सारे एटम एक जैसे। ओके कंपाउंड का एग्जाम्पल देख, कंपाउंड का एग्जाम्पल सबसे कॉमन एग्जाम्पल कंपाउंड का हम लेते हैं यहाँ पर वॉटर, ठीक है। अब वॉटर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, केमिकल फॉर्मूला जो आप अपनी हायर क्लासेस में अब जाके पढ़ने वाले हो, वो है H2O। उसको हम ऐसे लिखते हैं H2O। H का मतलब यहां पर हाइड्रोजन होता है जो कि एक गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन, O से ऑक्सीजन होता है जो कि एक गैस है, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन के अंदर सारे एटम, हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जिसके अंदर सारे एटम एक जैसे हैं, उसी तरह से ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसके अंदर सारे एटम एक जैसे हैं। लेकिन अगर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लाके मिला दिया, दो अलग तरह की गैसेस को लाके मिला दिया, तो वो क्या बन गया, मेरा कंपाउंड। तो कंपाउंड में दो अलग तरह के एटम या फिर एलिमेंट्स है, ठीक है। एक हाइड्रोजन है कंपाउंड के अंदर, वॉटर के अंदर, ठीक है। एक ऑक्सीजन है, तो वॉटर में दो तरह के एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं हम कह सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर क्या है हमारा, वाटर हमारा कंपाउंड है क्योंकि उसके अंदर दो अलग तरह के एटम्स हैं, ठीक है। दो, अगर इसको हम ऐसे शो करें, दो तो हो गए हमारे हाइड्रोजन और एक हो गया हमारा, एक हो गया हमारा ऑक्सीजन। ओके सो ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये हमारा वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है बन गया है। सो वाटर के एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो ये हो गए ना दो तरह के, डिफरेंट टाइप्स के, तो ये हमारा क्या बन जाता है, कंपाउंड। उसी तरह से और एग्जाम्पल हम कंपाउंड के देखें तो वो है साल्ट और शुगर का। साल्ट भी नमक जो होता है, उस साल्ट भी अलग अलग तरह के एटम से मिलके बना है, उसी तरह से शुगर, शुगर कंपाउंड है, इसका मतलब वो भी अलग तरह के एटम से मिलके बनी है। तो ये मतलब होता है हमारा एलिमेंट का और कंपाउंड का, सेम एटम तो एलिमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम तो वो कंपाउंड। ओके अब आपके अराउंड जो भी चीजें हैं, कई चीजें आपको ऐसी होंगी आपके अराउंड जो एक ही तरह के एटम से मिलके बनी होंगी, यानी कि वो एलिमेंट कहलाएंगी। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि कंपाउंड होगी, यानी कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बनी है। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आज का ये टॉपिक अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टेट्स ऑफ मैटर का, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में जो है हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो हमने आज इंट्रोडक्शन देखा है मैटर का, वो आपको अच्छे से समझना होगा। ओके सो बी सेफ, थैंक यू।